मनोरक के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम रहे हैं वेदालम की हॉस्पिटल सीन का रिएक्शन जो कि थाला जीजी और श्रुति हसन की मूवी। और उससे पहले बताना चाहते हैं कि विश्वासम का जो है टीजर आ चुका है और फर्स्ट लुक आया काइंड ऑफ ये कह सकते हैं क्या जबरदस्त लग रहा है उसमें लाइक वो दो साइड फेस है और ऊपर से वो दोनों ऐसा लग रहा है एक में वो एक मतलब सफेद दाढ़ी है उनकी और एक ब्लैक दाढ़ी है। हां तो वो एकदम हीरो जैसे लग रहा है ऊपर से डबल रोल मतलब वो जब अकेले आते तो ही तो जबरदस्त है दो आ रहे तो और जबरदस्त होगा। और एक साइड जो व्हाइट वाले जिसमें उनके बेड है उस साइड है ना कुछ मुंबई का मुझे लग रहा है और जो उनके जो जवान जिसमें है ना उसमें शायद कोई मुझे काइंड ऑफ मंदिर लग रहा है कुछ बस्ती काइंड ऑफ वो लग रहा है तो वो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग हो कि एक रोल किधर से आता है एक रोल किधर से आता बहुत मजा आएगा। अभी रिसेंटली इनकी एक विवेकम फिल्म आई थी तो ऐसे शिवाजी की और थालाजी जी की रेगुलर फिल्म जाई जा रही है तो अभी ये आएगी तो और जबरदस्त लग रही है सही में मजा आएगा। लास्ट हमने जैसे विवेकम और वेदालम में भी उनके क्या जबरदस्त एक्शन सीन्स था तो क्या दोनों ये जो जोड़ी हमारे लिए तो थाला जीत की फर्स्ट हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं तो हमने पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा दिया इनका रिएक्शन देने में पता नहीं हम थोड़े कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त है लेकिन इनके बारे में जब पता लगा तो बहुत जबरदस्त है इनका भी। उन्होंने स्टार्ट 1990 में किया था एन वीडू एन कनावर में एक स्मॉल रोल था उसके साथ स्टार्ट किया था लेकिन उसके बाद उनको टाइम इतनी फिल्म्स नहीं मिली थी तो उसके बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने उनको रेकमेंड की थी और मतलब उनको उनका रेकमेंडेशन दिया था कि हाँ इनको रो अमरावती करके एक फिल्म थी तो तब से उन्होंने लीड रोल्स में आना शुरू किया और उसके बाद उनकी एक असाई मूवी आई थी तो उससे उनको बहुत अच्छी वो क्रिटिकल एक्लेम मिला और तब उनके बाद वो सक्सेस उनको छूने लग गया और फिर तो उन्होंने सब चीज पाई। और शिवा कुमार जी की बात करो तो शिवा कुमार जी डायरेक्टर होने के साथ साथ एक सिनेमेटोग्राफर भी और एक एक्टर भी है। 2008 में एक सोरियम करके मूवी आई थी जो गोपीचंद जी और अनुष्का शेट्टी की थी वो उनकी फर्स्ट मूवी थी और उसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी। और पता एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि है ना थालाजीत के साथ में ये इनकी फोर्थ मूवी है और चारों की चारों जो मूवीज बनी है ना उनका नाम वी से स्टार्ट होता है। पहले तो वीराम फिर वेदालम फिर विवेगम और ये विश्वासम मतलब वीज लगता है इनको ज्यादा ही पसंद है। और उसके सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो सिनेमेटोग्राफर है वेत्री जी और शिवा कुमार जी दोनों है ना मतलब साथ साथ में पढ़ चुके हैं एक अद्यार फिल्म इंस्टीट्यूट था वहां के दोनों निकले हुए हैं और उन्होंने जैसे सोरियम वीराम विवेगम जैसी मूवीज के अंदर सिनेमेटोग्राफी की है मतलब वो भी बहुत कमाल बहुत बड़े नाम है तमिल इंडस्ट्री के अंदर जबरदस्त मतलब तीनों के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग है सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर की और वो हम जैसे एक्टर की पहले हमने पढ़ा हुआ है काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है कई बार डायरेक्टर को निकलना पड़ता है ये होना पड़ता है तो जब इतनी अच्छी अगर पेयरिंग होगी तो हमेशा बनता ही रहेगा रेगुलरली तो अभी इसका देखते हैं हॉस्पिटल सीन हमने सुना कि बहुत जबरदस्त सीन है तो ये आप भी देखो हम भी देखते हैं लेट्स स्टार्ट। ये शायद ये थाला जी की फोटो लग रही है हाँ उन्हीं की और ये भी मर गया उनको बता रहा था और सोले सोले भाई चुचु कम बोले नन लैंड फोन मत जा और हम हैं इनका भाई है सॉरी सर हमने इनके मम्मा को फोन मत डर सर। अरे क्यों बताया आप तो मर भी हूँ सोले सोले गना भाई चढ़ रहे हाँ वो बचाने की कोशिश कर रही है हमारे सब टाइटल्स ऑन है पर ये इनको बता दिया तो ये इनको मतलब किडनैप कर लेंगे या इनको प्रेशराइज करेंगे ये ले कान को ढूंढने के लिए बोल रहे थे कहां खुद ही आ रहे हैं आमा सर ये गाने என்ன பிரச்சனை பண்ணிருக்காது ரிலாக்ஸ் எனக்கு உங்களுக்கு எந்த டவுட் இல்ல நீ பார்க்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு and your brother looks बस कैच बहुत अच्छा बना நீ தப்ப வந்துட்டே புரியுமா ரிலாக்ஸ் சார் ஓகே சார் ஒன்ன வரல एक तो ये विलेन को हमने काफी टाइम देखा और बॉलीवुड में भी देखा और ये बहुत खतरनाक है। ये कन्विक्शन सो बिग खतम अब ये भी हमें ना कुटित करता है इस कभी राइट अब भागना तुम्हें पड़ेगा। ये स्माइल बहुत क्यूट लगती है मेरे को बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं फिल्म में क्योंकि पीछे इतने सारे लोग हैं सपोर्ट के लिए
मैंने कहा सिनॉप्सिस में देखा था जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, बड़े आदमी नहीं होते। अच्छा वो उनके आदमी है। हाँ ये क्या हुआ? वाह क्या गेम खेला बे? अरे अरे डबल फेस। अरे इनका बेटा क्या खेला है यार, क्या जबरदस्त लगा यार। बेचारे बहन को पता भी नहीं है। बहुत कमाल का क्या स्माइल है उनकी, मतलब एक तो देखो दीवाना उनके स्माइल लाइक वो एकदम से ऐसे ऐसे बैठे एकदम से वो पूरा स्माइल कर गया और फिर कैसे से वापस अपना वो फेस के अंदर आना, बहुत जोरदार था। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को पहले ऐसा लगा कि ये खुश हो रहे हैं कि हमको छोड़ रहे हैं, तो थोड़ी सी खुशी दिखा रहे हैं, पर खुश खुश होते होते वो विलेन वाली स्माइल आ गई कि हाँ भाई मैं तेरे को रूल कर लिया ये करके। क्या जबरदस्त और क्या जबरदस्त ट्रिक खेले, मतलब यहाँ आने के पहले उनको पता था कि ये बंदा वहां पे है और उनके बेटे को शायद किडनैप कर लिया या मतलब प्रेशराइज किया इनको उनको छोड़ने के, भाई इसको मार दूंगा अगर तूने मुझे। हाँ हाँ और ये इनके यार मेरे को विलन का भी बहुत जोरदार लगा कि जैसे है ना वो स्टार्टिंग में कैसे हुआ कि ना वो उनकी बहन को बोल रहे थे कि ना तुम टेंशन मत लो चिल रहो कुछ नहीं करूंगा, और फिर कैसे उनकी फोटो को देखकर ऐसा जोरदार से मार रहे थे वो मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा। भाई वो कह रहे थे ना कि मेरी कन्विक्शन है कि वो मेरे पास खुद चल के आ रहा है, मुझे उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा। और पर आए तो जो उनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा था ना, जो म्यूजिक आ रहा था वो बहुत सुपर था यार, सुपर एंट्री। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री ली है, जिस तरीके से उनकी वो स्माइल आई थी, एग्जिट बहुत जोरदार थी। हाँ भाई और उनकी बहन को पता है, उनकी बहन को मेरे भाई तो कुछ करता ही नहीं, एकदम सीधा साधा है। और वो क्या जबरदस्त, बहुत जोरदार और मतलब जबरदस्त एकदम इंटेंसिटी भी मेंटेन करके रखी गई, पूरे अच्छे से साउंड भी आते रहे, उनका रुतबा भी दिखा दिया, विलन भी एकदम मतलब खुश हो रहा है उनको देख के, कुछ हुआ ही नहीं। भाई मुझे एक बार लग रहा था कि शायद फाइट सीन आएगा, वो जाएंगे सबसे लड़ेंगे, इतने सारे वो गन लेके खड़े थे, बट वो थाला जीत है उन्होंने एकदम स्विफ्टली सबको खत्म कर दिया, सही यार बिना गोली चलाए मार दिया सबके सबको, सब वो उनके पीछे गुंडे थे वो भी ऐसे गोली लेके खड़े हो गए, लेकिन खड़े ही रहे जाने टाइम सीन में ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो क्या बहुत जबरदस्त है यार, बहुत मजा आ गया इसके अंदर, बहुत मजा सीन है। अब इसके बाद तो मैं और उनके सीन देखने जाता हूं, और कुछ होता है मैं जरूर बताएगा कि मैं तो थाला जीत की और एक्टिंग देखने जाऊंगा कैसा करते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त लगा किस तरीके से उन्होंने, मतलब पहले स्टार्टिंग की छाप इतनी जोरदार छोड़ दी उन्होंने, बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर बताएगा, और ऐसे ही लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।